उमरकोट में मारूफ समाजी तंजीम स्टडी लाइफ फाउंडेशन सीन के मातहत मजदूर अफराद और स्पेशल अफराद में व्हील चेयर और स्टैंड तकसीम करने की तकरीब से रुकने सिंध असम्बली राणा हमीर सिंह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने नौकरियों में और दीगर शोबाजात में मजदूर अफराद स्पेशल के लिए खसूसी कोटा मुकर्रर किया है। मजदूर अफराद हमारे समाज का हिस्सा है। सिंध हुकूमत इन स्पेशल अफराद की मदद रोजगार तालीम के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएगी। तकरीब से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर नदीमुर रहमान ने कहा कि माशरे के इन स्पेशल माजूर अफराद की मदद इनमें व्हील चेयर की तकसीम करना बहुत नेकी का काम है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वो सीओडी लाइफ फाउंडेशन की इंतजामिया को अपनी हर मुमकिन तआवुन का यकीन दिलाते हैं। माशरे की जरूरतमंदों की मदद स्पेशल माजूर अफराद की बहाली के लिए सीओडी लाइफ फाउंडेशन की तरह दूसरी समाजी तंजीमों को भी आगे आना चाहिए। तकरीब से सीओडी लाइफ फाउंडेशन उमरकोट की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अफजल मिला ने अपनी तंजीमी कारकर्दगी बताते हुए कहा कि हमारी तंजीम साल 2016 में क्याम अमल में आई। मुख्तलिफ वक्तों में तंजीम ने अपने तौर पर तालीम, सेहत, माशरे के मजदूर अफराद की बहाली में व्हील चेयर की तकसीम और अभी कोरोना के लॉकडाउन के दौरान गरीब जरूरतमंदों में खाने पीने की अशिया, राशन बैग की तकसीम की गई। और तकरीब से प्रेस क्लब उमरकोट के सदर फकीर रसूल बख्श हमदानी, समाजी रहनुमा इमाम बख्श खासकली, अब्दुल जब्बार कम्बाल, मारूफ सियासी समाजी रहनुमा शौकत अदीपुरी, समाजी रहनुमा गुलाम मुस्तफा खोसो ने भी खिताब किया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के रहनुमा, साफी समाजी अवामी रहनुमा समेत कई लोगों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। आखिर में कोरोना के खिलाफ काम करने वाले वॉलंटियर्स हजरात में रुकने सिंध असम्बली राणा हमीर सिंह और डिप्टी कमिश्नर नदीमुर रहमान ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। जान मोहम्मद सुलंगी, HNN न्यूज़, उमरकोट।